हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम प्रिया है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरह रेनबो कलर पिनव्हील या पवन चक्की बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रंग बिरंगे पिनव्हील को बनाने के लिए मुझे कुछ रंग के कागज की जरूरत पड़ेगी, कैची, फेविकोल स्केल और पेंसिल की। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक छोटी सी डंडी। जहाँ मैंने अगरबत्ती के डंडे का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी प्रकार की डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी एक कागज पे 10 सेंटीमीटर की मार्किंग करके एक ट्रायंगल शेप क्रिएट करेंगे और उसे कट कर लेंगे। और सेम ट्रायंगल को आप बाकी कागज रंगों के कागज पे रखकर ड्रॉ करके कट कर लेंगे। मुझे टोटल 8 ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो मैंने 8 अलग अलग रंगों के ट्रायंगल्स बना लिए। अब मैं अपने मनपसंद रंग के कागज से 2 छोटे सर्कल्स कट करूंगी और मैंने यहाँ पे फेविकोल की बॉटल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते, किसी भी चीज का। आप अपने इन 2 छोटे सर्कल में से एक पर फेविकोल लगाकर अपने फर्स्ट ट्रायंगल को हाफ पेस्ट करेंगे, जिस तरह मैंने किया है। और इसी की तरह दूसरे ट्रायंगल को उसके बिल्कुल बीच में आप पेस्ट करेंगे और इसी तरह हम बाकी रंगों के कागज को पेस्ट करते रहेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे ट्रायंगल्स के कॉर्नर मैच हो रहे हैं। और इसी तरह आप बाकी रंगों के कागज को भी चिपका लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम फेविकोल का इस्तेमाल करें, इससे कागज जल्दी चिपकेंगे। और इस तरह मैं अपने ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल लगा के उसे बीच में लाकर चिपकाऊंगी। अगर आप मोटे कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा चिपकाने में परेशानी होगी, तो सजेशन आपके लिए ये है कि आप थोड़े पतले कागज का इस्तेमाल करें जो आसानी से चिपक जाते हैं। और इस तरह आप छोटे सर्कल पे फेविकोल लगा के इसे बीच में पेस्ट करेंगे, जिससे मेरे पिनव्हील यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। अब बारी है एक पेपर स्ट्रॉ बनाने की। यहाँ पे मैंने वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है जो बैक साइड से प्लेन है और एक साइड उसमें मैंने कुछ स्ट्रॉ कर रखा है। तो इस तरह रोल करते हुए आप अपनी स्ट्रॉ तैयार कर लेंगे। हमने कोशिश की है कि हम प्लास्टिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें। और अब बारी है अपने स्ट्रॉ को इवन कट करने की दोनों साइड से। और साथ ही मैंने एक छोटी सी स्ट्रॉ भी कट कर ली है 3 सेंटीमीटर की। अब मैं किसी पेनी चीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी छोटी डंडी को पिनव्हील में डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे पेपर कटर का इस्तेमाल करके पिनव्हील के बीच में एक छेद किया है और इस डंडी को उसमें से आर पार किया है। इसी के साथ पिनव्हील के आगे मैं एक स्टॉपर लगा रही हूँ, जहाँ मैंने छोटे से पेपर स्ट्रिप से फेविकोल लगा के इसमें आगे पेस्ट करूँगी। आप चाहे तो आप किसी भी प्रकार के मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा घुमा के अपने पिनव्हील को लूज कर लीजिए तो वो फ्री होके घूमेगा। अब बारी है अपने पिनव्हील में अपनी पेपर स्ट्रॉ को लगाने की। तो सबसे पहले मैं इसके बैक साइड अपनी छोटी सी स्ट्रॉ को ऐड डालूंगी और अपनी लंबी सी स्ट्रॉ में 2 छेद करके डंडी को उसमें से आर पार करूंगी। और यहाँ मेरा पिनव्हील रेडी हो गया है। किसी भी प्रकार की क्राफ्ट एक्टिविटी करने से बच्चों की उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पिनव्हील को बना के मुझे जरूर भेजेंगे और इससे ज्यादा सुंदर आप बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।